खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कोतवाली शहर के ऊंचा थोक में छेदा चक्की वाली गली में रहने वाले सुमित गुप्ता के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से काफी सामान जलकर राख हो गया है। सुमित गुप्ता के अनुसार घर में रखे नगद नोटों के अलावा कपड़े वगैरह भी काफी जल गए हैं। उनका यह भी कहना है 112 पर सूचना देने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड को भी सूचनाएं दी गई लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया। आस पड़ोस के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता प्राप्त की। आग लगने की जानकारी मिलते ही सभासद अमित त्रिवेदी रानू सुमित गुप्ता के घर पर पहुंच गए। उन्होंने लेखपाल को सूचना दी जिससे मौके पर पहुंचे लेखपाल ने हुए नुकसान की जाँच की। करीबन 2.5 लाख रूपए में नकदी जला है, उसके बाद में 1.5 से 2 लाख रूपए का माल और कपड़ा लत्ता जल गया है। और हमने 112 नंबर पे कॉल की थी, 101 नंबर मिला था, उस पर इंगेज जा रही थी। अभी 112 से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। आग कैसे लगी? आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी, बल्ब ऊपर लगा था बेड के ऊपर से, वही गिरा के है और उसी से चिंगारी वगैरह निकली, उसी से आग लग गई। हम बच्चे की दवा लेने गए थे बाहर। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।